हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक को, दैट वाज थ्योरी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है और डिमांड को इफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स से डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? Law of demand says when all other factors remains the same, that is known as ceteris paribus. When all factors remains the same, there is a inverse relationship between price and quantity demanded. Price and quantity demanded. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि प्राइस के साथ हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्वान्टिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ करते हैं। दैट मीन्स विद द राइज इन प्राइस देर इज़ अ डिक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांडेड एंड विद फॉल इन प्राइस there is a increase in quantity demanded or there is a contraction or extension, that is law of demand, right? अब इस law of demand को हम एक schedule के through और एक curve के through explain करेंगे, ठीक है? तो schedule क्या होता है, देखिए economics में जितने भी table और presentation होते हैं, जब data को हम table के form में show करते हैं तो उसे बोलते हैं schedule, या हम उसे स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, शेड्यूल और स्केड्यूल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, ठीक है? तो हम प्राइस के बहुत सिंपल से फिगर यूज़ कर रहे हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, और डिमांड में और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो 50, 40, 30, 20 और 10 इस तरीके से, दिस इज डिमांड शेड्यूल। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। इसी शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे देन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा, हम एक्स एक्सिस पे लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, quantity demanded of x commodity, और हम y axis पे लेते हैं price of x commodity। जिस commodity की quantity होती है उसी commodity का price होता है, तभी demand curve बनता है। अगर आपने यहाँ पर variable change कर दिया तो demand curve नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो कैसे बनेगा डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसे? मैं इसको वैल्यूज से बना रही हूँ। प्राइस ले रखा है हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 और क्वांटिटी डिमांडेड है 10 to 50। ठीक है, देन व्हेन प्राइस इज 50 क्वांटिटी डिमांडेड इज, व्हेन प्राइस इज 1 क्वांटिटी डिमांडेड इज 50। When price is 2, quantity demanded is 40. When price is 3, quantity demanded is 30. When price is 4, quantity demanded is 10 and last, ठीक है? तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। जब आप इसको स्केल से मिलाएंगे तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? अभी मैं फ्री हैंड से मिला रही हूं तो थोड़ा सा दिस इज डिमांड कर, राइट? right?
Now, what is the shape of demand curve? The demand curve is a downward sloping curve. It is a downward sloping. And why this curve is downward sloping? Because of inverse relationship between price and quantity demanded. Due to inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड सिंपली सेज सैटरिस पैरिबस व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद राइज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद फॉल इन प्राइस. ठीक है, बट देखिए इकोनॉमिक्स का जो कोई भी लॉ है, जैसे हमने ये सीखा था कि इकोनॉमिक्स इज अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशंस पर बेस्ड है पूरी तरीके से, तो वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड की भी कुछ अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस क्यों है? क्योंकि हमें कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है. तो क्या क्या अजम्पशंस हो सकती हैं लॉ ऑफ डिमांड की? याद कैसे रखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशंस होती है? देखो, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन बताते हैं, राइट? इसका मतलब एक्सेप्ट प्राइस, बाकी सारे फैक्टर्स को हमें क्या मानना होगा? कांस्टेंट मानना होगा, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में से अगर किसी में भी चेंज हुआ तो अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा. तो आपको कौन कौन सी अजम्पशंस लेनी होती है लॉ ऑफ डिमांड के लिए? फर्स्ट हम ले सकते हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम या रिमेन्स कॉन्स्टेंट. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स द सेम. रिलेटेड में दोनों आ गए, आप अलग अलग भी बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स द सेम. वेदर रिमेन्स द सेम. वेदर, टेस्ट, प्रीफ्रेंस, नेचर, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? सेम. एक और लिख सकते हैं अजम्पशन, एक और ध्यान रख सकते हैं, से नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस. आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में प्राइसेस में किस तरीके से चेंज आने वाला है, कि प्राइस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं. तो अल्टीमेटली ये सारे डिटर्मिनेंट्स ही हैं, इन सारे डिटर्मिनेंट्स को हमें कांस्टेंट मानना होगा और रिलेशन सिर्फ किसके साथ में बताना होगा? कमोडिटी के प्राइस के साथ में. ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. इंट्रोडक्शन, शेड्यूल, कर्व एंड अजम्पशन. लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. जैसे फर्स्ट फैक्ट ये है कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव. लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है. लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है? देखो, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बट हाउ मच, कितनी. अगर प्राइसेस 50% से बढ़ते हैं तो डिमांड कितने परसेंट से कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता. क्वांटिटी में कोई रिलेशन शो नहीं करता, देयर फोर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. हाँ, ये डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए लॉ ऑफ डिमांड कम होगी तो ये डायरेक्शन बताता है, दैट्स वाई इट इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. देन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड इज अ वन साइडेड. वन साइडेड का मतलब क्या होता है? तो ये लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर प्राइस में चेंज हुआ तो इसका इम्पैक्ट किस पे आता है? डिमांड पर आता है, कि डिमांड कम होगी. अगर हम प्राइस में चेंज करेंगे तो डिमांड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. लेकिन अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज प्राइस मैकेनिज्म. ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा,
क्योंकि अभी तो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम होगी, लेकिन जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है और एक साथ क्वेश्चन आता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम उसका आंसर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग दे या प्राइस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग दे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब प्राइस में चेंज होने का इम्पैक्ट डिमांड पर आता है तो ये लॉ ऑफ डिमांड से आंसर आएगा, लेकिन जब डिमांड में चेंज होने का प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे एक जनरल सा आंसर है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में उसके प्राइजेस भी बढ़ते हैं, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, वहाँ डायरेक्ट आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों टॉपिक डिफरेंट है। प्राइस में चेंज होने का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन डिमांड में चेंज होने का प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट इज़ प्राइस मैकेनिज्म। सो लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ ओनली वन साइडेड, ठीक है? ये वाला जो इम्पैक्ट है कि डिमांड में चेंज होने का प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, ये नहीं बताता है, ठीक है? तो लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, वन साइडेड है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और ये प्राइस और डिमांड में किसी तरह का कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन भी एक्सप्लेन नहीं करता कि अगर प्राइजेस को किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट से चेंज किया जाए तो डिमांड पे इसका क्या प्रोपोर्शनेट इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो सिंपली लॉ ऑफ डिमांड इज अ देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड when other factors remains the same. अगर आपने when other factors remains the same नहीं पढ़ा या नहीं लगाया साथ में तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होगा, ओके? चलिए बात करते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, why there is a inverse relationship between price and quantity demanded, that means what are the reasons why law of demand operate. तो there are four reasons, या मैं ऐसा बोलूँ कि there are five reasons. The operation of law of diminishing marginal utility, substitution effect, income effect, new consumers and different uses of commodity. ठीक है, देखिए MCQs के purpose से अगर बात की जाए तो आपको सिर्फ reasons ध्यान रखने होते हैं, content आपको एक बार समझने के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको MCQs में सिर्फ राइट ऑप्शन पर टिक मार्क करना है, आपको उसको एलाबरेट नहीं करना है, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डीप में पूछ लिया जाए तो आपको इनकी नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तीन वर्ड से मिलके बना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल एंड यूटिलिटी। फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। जैसे मैं ये मार्कर यूज़ कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिखने की वॉन्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? अब यूटिलिटी का क्या ट्रेंड है कि वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम। तो पहले बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बहुत तेज गर्मी हो रही है और आपको कुछ ठंडा पीने की इच्छा हो रही है, आपने फर्स्ट बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम की, आप पेप्सी कोक जो भी आपको पसंद है, आपने फर्स्ट ग्लास आपने पेप्सी का कंज्यूम किया, फर्स्ट यूनिट, ठीक है? आपको उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला, आपको जो उससे एंटायर सेटिस्फैक्शन मिला, एंटायर यूटिलिटी मिली, दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, TU इज टोटल, ठीक है? तो आपको मान लेते हैं कि फर्स्ट ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक से 12 के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप बोलोगे यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, तो इट इज़ आर अजम्पशन दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है? किसमें मेजरेबल होती है, इन टर्म्स ऑफ यूटिल, दैट इज आर अजम्पशन। तो फर्स्ट ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक से आपको जो एंटायर सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी 12। आपने सेकेंड ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया, आपको जो स्टार्टिंग में बहुत तेज गर्मी लगी थी, आपने अभी तक पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पिया था, तो फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। अब आप ऑलरेडी एक ग्लास कंज्यूम कर चुके हो तो सेकेंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, सेकेंड से मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसे भी हम बोलेंगे मार्जिनल, लेकिन दो यूनिट से मिलने वाला, ठीक है,
टोटल टू यूनिट्स कंज्यूम करने से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी. तो 12 + 8 ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ये क्या हो जाएगा? 20. ठीक है, दैट मीन्स जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है 12 का, और जब हम सेकेंड कंज्यूम करते हैं उससे मिलेगा 8. लेकिन मैं आपसे पूछूं कि टोटल 2 glasses ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने पर आपको मिलने वाला टोटल, आपको मिलने वाली टोटल यूटिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे 20. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपने थर्ड ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया, यूटिलिटी और डाउन हो जाएगी. और फोर्थ पे बस अब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुके हो, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है नेक्स्ट ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने की, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? 0. अगर मैं टोटल के टर्म में बात करूँ तो फर्स्ट से दोनों बराबर मिलेंगे, सेकेंड में 12 + 8 20 हो जाएगा, थर्ड में 20 + 4 24 एंड फोर में 24 + 0 इज इक्वल टू 24. तो देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का एक ट्रेंड होता है कि वो कंटिन्यूसली क्या होती है? डिमिनिश होती है, कम होती है. ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे उसे कंज्यूम करने की जो हमारी डिज़ायर है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है. ठीक है, तो जब किसी चीज़ को कंज्यूम करने की इच्छा, डिज़ायर, इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो हम उसे ज़्यादा पैसों पे क्यों खरीदेंगे, हम उसके लिए ज़्यादा मनी क्यों देंगे? हाँ, हम तभी उसे खरीदेंगे जब मार्केट में अगर उसका प्राइस क्या हो जाएगा? कम. तो जब प्राइस कम होगा तब कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी. ये रीज़न ये कहाँ से आया? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी obtained from that commodity goes on diminishing. ठीक है, so when the utility goes on diminishing then consumer only purchase when the price of commodity becomes reduced, becomes become decreases. ठीक है, तो जब prices कम हो जाएंगे तब क्या होगी? demand बढ़ेगी. that's why the first reason of the inverse relationship of price and quantity demanded is the operation of law of diminishing marginal utility, right? Second, हम बात करें substitution effect. Substitution effect क्या बोलता है? देखो, नाम से पता चल रहा है कि substitutes को हम link करेंगे. मान लीजिए दो substitutes हैं, Pepsi and Coke. तो first, what is the meaning of substitute goods? Substitute goods are goods which are used in place of each other for satisfaction of want. अब क्या हुआ? मार्केट में पेप्सी के प्राइसेस बढ़ गए, मार्केट में पेप्सी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए. कोक के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, पेप्सी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए. अब क्या होगा? कंपैरेटिवली हमें कोक सस्ती लगेगी, तो जो कंज्यूमर अभी तक पेप्सी पीते थे वो सब किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, लोग क्या पीना स्टार्ट कर देंगे? अब लोग कोक पीना स्टार्ट कर देंगे, तो कोक की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और पेप्सी की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है ना, तो देखो प्राइस बढ़ा, पेप्सी की डिमांड कम हो गई. क्यों कम हो गई? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट का इसके सब्स्टिट्यूट की मार्केट में डिमांड बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? क्योंकि कंपैरेटिवली ये सब्स्टिट्यूट क्या लगने लग गया? हमें चीपर लगने लग गया, हमें सस्ता लगने लग गया. तो सब कहाँ पर शिफ्ट हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड पर शिफ्ट हो गए. और इस सब्स्टिट्यूट गुड के डिमांड बढ़ने की वजह से हमारे गुड की यानी गिवन कमोडिटी की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. हमें सब्स्टिट्यूट सस्ता लग रहा है इसलिए हमने हमारे प्रोडक्ट को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर लिया, चेंज कर लिया. हम पेप्सी से कोक पे आ गए और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट पेप्सी की डिमांड क्या हो गई? कम. ठीक है, तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होने का रीज़न क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. हम चीपर कमोडिटी की तरफ शिफ्ट हो गए और डियरर कमोडिटी को हमने क्या कर लिया? सब्स्टिट्यूट कर लिया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. द नेक्स्ट रीज़न ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ डिमांड इज इनकम इफेक्ट. ठीक है, अभी इनकम इफेक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये इनकम यहाँ पर मॉनिटरी इनकम नहीं है. यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रियल इनकम की. रियल इनकम क्या है? एक एग्जांपल से समझाते हैं. देखिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है एक्स,
अभी उसका प्राइस है 500 rupees पर यूनिट, और आप उसकी दो यूनिट खरीदते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना करते हैं 1000 rupees का। अब मार्केट में इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, जस्ट हाफ हो गया, मान लेते हैं प्राइस हो गया 250 rupees। आप तो अभी भी 2 यूनिट ही कंज्यूम करते हैं उसकी। मान लीजिए कि ये एक घी का डिब्बा है, घी का बॉक्स है, पहले 500 रुपये किलो आता था तो आप 1000 रुपये खर्च करते थे, अब 250 रुपीज़ केजी आता है तो आपका एक्सपेंडिचर कितना 500 रुपीज़। यानी आपने कितना सेव कर लिया, आपने सेव कर लिया 500 रुपीज़। ये 500 रुपीज़ सेव कहाँ से किया, क्या इनकम बढ़ गई, नहीं, मॉनिटरी इनकम तो एज इट इज़ है। हाँ, मार्केट में कमोडिटीज़ के प्राइस क्या हो गए, गिर गए, कमोडिटीज़ के प्राइस क्या हो गए, इसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर को होगी सेविंग, दिस सेविंग इज कॉल्ड रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस रियल इनकम का या इस सेविंग का यूज़ वो किस में करेगा, या तो वो इसी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा यूनिट खरीदेगा। पहले आप दो यूनिट खरीदते थे, दो डब्बे खरीदते थे, आप तीन खरीद सकते हो, आप चार खरीद सकते हो, या फिर आप इसका यूज़ करके दूसरी क्वांटिटीज़, दूसरी कमोडिटीज़ परचेस करोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट सिंपली क्या बोलता है कि कमोडिटीज़ का प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है, नॉट मॉनिटरी इनकम। मॉनिटरी इनकम तो कॉन्स्टेंट है, रियल इनकम मतलब ये सेविंग, तो रियल इनकम इंक्रीज होती है, और इस रियल इनकम का, इस सेविंग का यूज़ या तो वो उसी प्रोडक्ट की और क्वांटिटीज़ परचेज करने में करता है, या दूसरे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी परचेज करने में करता है, और अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंटली मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, दिस इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप। तो इस इनवर्स रिलेशनशिप का एक और रीज़न क्या हुआ, दैट इज़ इनकम इफेक्ट, कि इनकम, रियल इनकम बढ़ने की वजह से मार्केट में डिमांड का बढ़ना। इन दोनों इफेक्ट्स को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट रीज़न की हम बात करें, द न्यू कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। न्यू कंज्यूमर मीन्स जब प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं, कुछ लोग इकोनॉमी में ऐसे होते हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या रहती है, कम रहती है। लेकिन जब प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो जाते हैं तो जो कंज्यूमर अभी तक उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, गर्मियों में लीची फ्रूट आता है, मैंगो फ्रूट आता है, इनिशियली उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट में डिमांड कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे प्राइजेस क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो जो कंज्यूमर अभी तक उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी उसे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। सो ड्यू टू अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर इन द इकोनॉमी देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यू कंज्यूमर। एंड द लास्ट रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी। डिफरेंट बोल लो, ऑल्टरनेट यूज ऑफ कमोडिटी बोल लो। जैसे इसका एक सिंपल सा और एक बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क का यूज बेबी फूड में होता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, और मिल्क का यूज टी, कॉफी, मिल्क शेक, कर्ड, पनीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में भी होता है। ठीक है ना, दैट मीन्स एक ही प्रोडक्ट के जब वेरियस डिफरेंट ऑल्टरनेट यूज पॉसिबल होते हैं, जिसमें से कुछ यूजेस इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ यूजेस लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जब इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ऐसे मान लीजिए मिल्क का प्राइस बढ़ गया, तो इसके लेस इम्पॉर्टेंट यूजेस बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। आप अब दूध से पनीर घर में नहीं बनाएंगे, आप आइसक्रीम नहीं जमाएंगे, आप शेक्स नहीं पियेंगे, क्यों, क्योंकि मिल्क महंगा हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम। लेकिन अगर यही मिल्क सस्ता हो जाए तो फिर देखो डेली शेक बन रहे हैं, डेली आइसक्रीम्स बन रही है, पनीर बन रहा है, यानी कि कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कंजम्पशन बढ़ने की वजह से प्राइस कम हुआ, कंजम्पशन बढ़ा, तो मार्केट में डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, अगेन इनवर्स रिलेशनशिप,
तो दैट इज द रीजन कि इफ देर इज अ डिफरेंट और ऑल्टरनेट यूज ऑफ अ कमोडिटी एंड देर आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेज एंड सम लेस इम्पॉर्टेंट यूजेज देन इफ देर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द लेस इम्पॉर्टेंट यूजेज विल बी स्टॉप और रिड्यूस डिक्रीजेस एंड अकॉर्डिंगली देर इज अ डिक्रीज इन डिमांड. ठीक है एंड वाइस वर्सा टर्म तो आपको पता ही होगी एग्जैक्टली अपोजिट. तो अगर प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो जाएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा और डिमांड भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी. ठीक है ना. तो दीज आर फाइव रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होती है क्या कि जहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता. दैट मीन्स व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो दीज आर सम एक्सेप्शंस बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट लिस्ट. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता. तो कौन कौन सी सिचुएशन से हम बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉन्स्पिशियस गुड. अब आप कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, सिर्फ दिखावटी, दिखाने के लिए, प्रेस्टीज शो करने के लिए. ये ऐसे गुड्स जिनको हम वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं. ये वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ किसके लिए लिए जाते हैं, दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए. तो ऐसे गुड्स का प्राइस जितना ज़्यादा होता है उतनी ही उनकी डिमांड ज़्यादा होती है. ठीक है. तो प्राइस ज़्यादा होने के साथ में जब डिमांड बढ़ती है तो ये अपोजिट रिलेशनशिप की जगह पर डायरेक्ट आ गया ना. दिस इज़ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. फॉर एग्जांपल डायमंड. अब अगर डायमंड के प्राइसेस सस्ते हो जाएं तो उसमें इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और उसकी परचेज भी कम हो जाएगी क्योंकि बहुत महंगा है. इसलिए उसकी डिमांड भी क्या है, ज़्यादा. क्यों? क्योंकि डिमांड एक डायमंड इज़ अ प्रेस्टीजियस गुड. ठीक है. वो दिखावे के लिए काम में आता है. तो इन तीनों का मीनिंग एक ही है. कॉन्स्पिशियस बोल लीजिए, प्रेस्टीजियस गुड्स बोल लीजिए या वेबलन गुड्स बोल लीजिए. सेकेंड एक्सेप्शन इज गिफिन गुड. गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स हु शोज द पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट. ठीक है. पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है प्राइस और डिमांड दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड गिफिन गुड. देखो गिफिन गुड में और इन्फीरियर गुड्स को लेकर कन्फ्यूजन होता है पर गिफिन गुड्स आर लो क्वालिटी इन्फीरियर गुड्स जिनको हम बोल सकते हैं. इन्फीरियर गुड्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे ना तो इन्फीरियर गुड्स का रिलेशन हम हमेशा इनकम के साथ दिखाते हैं. ये ध्यान रखिएगा. इनकम बढ़ने के साथ जिन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है उन्हें बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स. लेकिन गिफिन गुड्स का रिलेशन हम हमेशा किसके साथ दिखाते हैं, प्राइस के साथ दिखाते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड भी बढ़ जाती है. ठीक है. पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट या ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके प्राइजेस कम होने के साथ डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. दोनों एरोज एक ही डायरेक्शन में है ना. जैसे बाजरा, लो क्वालिटी क्लॉथ एक्सेट्रा. ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम होने के साथ डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं. तो इनको जब इनके प्राइस कम होते हैं तो जो कंज्यूमर है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने लगता है. उसके पास में जो सेविंग होने लगेगी उसका यूज़ वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरफ करेगा. इसलिए इनके मार्केट में डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है. तो गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स हु शोज द पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट एंड इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हु शोज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट. दोनों अलग अलग सेंस में बात करेंगे. गिफिन गुड का रिलेशन हमेशा प्राइस के साथ लेते हैं और इन्फीरियर गुड्स का रिलेशन हमेशा इनकम के साथ लेते हैं. राइट. द थर्ड एक्सेप्शन इज डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट और इसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. कॉन्स्पिशियस का मतलब अगेन सिर्फ दिखावे की नेसेसिटीज है, वास्तव में नहीं है नेसेसिटीज. जैसे कि AC, LEDs, साउंड सिस्टम, वास्तव में ये नेसेसिटीज़ नहीं है. लेकिन देखा देखी कि आजकल हर कोई AC लगा रहा है, हर कोई LED लगा रहा है, हर कोई साउंड सिस्टम यूज़ कर रहा है, हर कोई कार परचेज कर रहा है. तो देखा देखी ये चीज़ें क्या बन गई हैं, अब ज़रूरत की चीज़ें बन गई हैं. ठीक है. ये ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जिनके प्राइजेस बढ़ने के बावजूद भी लोग इन्हें क्या कर रहे हैं, ज़्यादा परचेज कर रहे हैं. ठीक है ना. तो ऐसी नेसेसिटीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस, जो सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन की वजह से कि आज सब खरीद रहे हैं तो हमें भी खरीदना चाहिए, फिर चाहे इनके प्राइजेस कंटिन्यूसली राइज ही क्यों ना हो रहे हों.
तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. नेसेसरी गुड्स, अब दीज आर नेसेसरीज लाइक रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड वाटर. अब ये तो नेसेसरी गुड्स हैं, इनके प्राइजेस में आप कितना भी चेंज कर लो हमारा कंजम्पशन कम नहीं होगा. आप प्राइजेस को कितना ही बढ़ा लो डिमांड पर इसका इफेक्ट नहीं आएगा. जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूँ, सॉल्ट है, सस्ता हो गया तो डबल खाना स्टार्ट नहीं कर देंगे, और महंगा हो गया तो ज़्यादा खाना कम खाना स्टार्ट नहीं कर देंगे. नॉर्मली जो नेसेसरीज होते हैं, नेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, क्योंकि प्राइस के चेंज होने का उनके डिमांड पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता. एक और एक्सेप्शन हम देखते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. अगर हमें आज ही पता चल जाए कि फ्यूचर में प्राइजेस क्या होने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा. इसीलिए हमने अजम्पशन में एक अजम्पशन ली थी, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस. ठीक है, कैसे? मान लीजिए, ठीक है, ये डिमांड का चैप्टर है, आप कंज्यूमर हैं, आपको ये लगता है कि आने वाले कुछ समय में जो प्राइस है, यानी मैं इसको एक्सपेक्टेड प्राइस ईपी के नाम से दिखा रही हूँ, स्पॉट प्राइस की बात नहीं कर रही, आने वाला प्राइस, फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस ईपी से शो कर रही हूँ. अगर आपको ये पता चल जाए कि नियर फ्यूचर गुड्स के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दो, दो दिन चार दिन बाद तो ये प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा. तो प्राइजेस बढ़ने के साथ डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. और अगर आपको लगता है कि नहीं, आने वाले कुछ समय में प्राइजेस गिरने वाले हैं, अभी मत खरीदो. अभी क्यों खरीद रहे हो? बाद में खरीदोगे तो अभी मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी? कम. तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ में डिमांड कैसा रिलेशन दे रहा है? देखो, पॉजिटिव. मैं फिर से बोलूँ, ये प्रेजेंट स्पॉट प्राइस नहीं है, ये फ्यूचर एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड प्राइस है. सो देर इज़ अ राइज इन डिमांड विथ फ्यूचर विथ एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस, एंड देर इज़ अ फॉल इन डिमांड विथ एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस. देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड दिस इज़ अ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. तो ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो, अब एडिक्शन के बाद उस कमोडिटी का प्राइस कितना ही बढ़ा लो, आप उसे कंज्यूम करोगे ही करोगे, उसके डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो एडिक्शन भी क्या है? एक एक्सेप्शन है. स्पेक्यूलेशन, सट्टा. जैसे शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जैसे जैसे प्राइस कमोडिटीज़ का बढ़ता जाता है, हमारी प्रॉफिट कमाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ती जाती है और हम और ज़्यादा खरीदते जाते हैं. तो स्पेकुलेशन में क्या होगा? जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी क्या होगी? लोग ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो प्राइजेस भी क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे. तो स्पेकुलेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जिन अजम्पशन पर बेस्ड है कि इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, वेदर चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रिफ्रेंस चेंज नहीं होना चाहिए, अगर इनमें से किसी में भी चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा. ठीक है ना, ऑल दीज आर, जैसे फैशन चेंज हो गया, जीन्स का फैशन है और ट्राउजर्स पे आपको 50% 60% डिस्काउंट मिल रहा है, इतना कम प्राइस, फिर भी आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे. ठीक है, प्राइस गिर रहा है, डिमांड भी गिरेगी. क्यों गिरेगी? क्योंकि ट्राउजर्स फैशन में ही नहीं है, कंज्यूमर को परचेज ही नहीं करना है. तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स जिनको हम कॉन्स्टेंट मान के लॉ ऑफ डिमांड डिराइव करते हैं, अगर इनमें से किसी में भी चेंज होता है तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा. ठीक है, तो वो सारे डिटर्मिनेंट्स किस कैटेगरी में आ सकते हैं? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की कैटेगरी में आ सकते हैं. ठीक है.